वो जो कहते ना कि रात काटी खुदा खुदा करके, मतलब रात तो हमारी अच्छी गुजरी थी, लेकिन सुबह जो गाड़ी को स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि यहाँ जो मौसम है, यहाँ जो दर्जा हरारत है माइनस मेरे ख्याल से 5 से नीचे था। देखा था आपने, चेक किया था? मैंने नहीं चेक किया था, मैं करता हूँ अभी। तो खैर अच्छा, आपके पास 5G है? यहाँ तो 4G चल रही है। नहीं चल रही, नहीं इनके पास 5G है। तो खैर जब हम आए थे तो मेरे ख्याल से -5 था, तो अभी हमारा सफ़र जारी होगा। हम हमारा ट्रैक क्या है, कहाँ जाना है हमने, रूट क्या है हमारा? नाला है खैमत, ठीक है। यहाँ से नाले का नाम खैमत, और कोई 3 घंटे, हमें 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा हमारा जब गाड़ी में तय करेंगे तो हार्डली कि 1-1.5 घंटे हम जो है ना हाइक करेंगे, तो फिर हमारा अगला पड़ाव वहीं होगा जहाँ पे हमने वो शूट करना है। ठीक, इंशाल्लाह जिंदा पहुँचेंगे, पहुँचेंगे उम्मीदें हैं ना। चलो भाई, ये है सुई कुनू, और ये जो पानी ऊपर बह के आता है दुष्कर नाले से, और ये पूरी तरह पानी जम चुका है, और ये हमें पत्थर मारा जा रहा है। ये यहाँ पर खड़े हैं महबूब भाई। अच्छा, तो ये बिल्कुल पानी जम चुका है, आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं। सर्दी का अंदाज़ा यहाँ से होता है, अंदाज़ा बिल्कुल यहाँ से आप लगा सकते हैं। माइनस अब यहाँ मालूम नहीं माइनस कितना है, माइनस तकरीबन होगा, क्योंकि फिर शुरू होता है ना। हाँ, तो आगे दिखाते रहेंगे आपको, हमारा सफर अभी बहुत जारी, बहुत लंबा है। लो जी, थुई कुनू से बड़ोल तीर की तरफ हमारा सफ़र अभी जारी है। रास्ते में अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिलती है तो हम सुर्ख होगा। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हम जा रहे हैं बड़ोल तीर। बड़ोल तीर में एक जगह है जिसका नाम है संदियस, जहाँ पे एक हमारे इश्कमदास जो गाँव है वहाँ का एक बंदा है, वो फर्द है, वो साल भर वहाँ रहता है माल मवेशी लेकर। अच्छा, तो हाँ हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे कि भाई उसकी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है किस तरह की। लोग कहते हैं कि बड़ी ऑर्गेनिक लाइफ वो गुजारते हैं, सर्दियों में भी नीचे नहीं आते, नहीं आते। हाँ बस भी नहीं गए होंगे। नहीं, वो खुद वो जो बंदा है ना, वो फौज से रिटायर्ड आदमी है। अच्छा अच्छा, ठीक अच्छा, है। रिटायर्ड होने के बाद उसने ये काम शुरू किया हुआ, रिटायर आने के बाद, मतलब फौज में उसने कोई हाँ। तीनों हजरत, हमारा ट्रैक शुरू हुआ जाता है। तो कहाँ भी भाई, ये है थेलती, ठीक। और समझ लीजिए यहाँ से आगे हमें गाड़ी का जो है ना रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ से गाड़ी वहाँ छोड़ दी है, यहाँ पे पीछे हमने पार कर दिए, तो यहाँ से आगे मज़ीद हमें शायद 1 घंटा लगेगा। अच्छा, कौन सा वो जो बर्फ बर्फ वो यहाँ से ऊपर जाना है, उसके ऊपर वाले जो पहाड़ है ना बिल्कुल कोने में, वो हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लगेगा। हाँ, हम आराम आराम से चलते हुए जाएंगे, ठीक है। इस रोड पे आप कह सकते हैं कि एक आखिरी गांव था। अच्छा, परली साइड पे 2 और गांव हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आगे फिर जो नाला जहाँ हैं या फिर ये है कि वो स्टार्ट होते हैं इन जगह पे, यहाँ तक लोग रहते हैं इस पट्टी पे, उसके बाद जो है ना लोग सीजनल यहाँ आते हैं जुलाई में, क्योंकि एक तो ये है कि घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, क्योंकि गैस का यहाँ इंतज़ाम होता नहीं है, तो जंगलात से सिगरेट लायो, सिगरेट इकट्ठी करते हैं। और यह इब्तदाए इश्क रोता है कि अभी से खास रहे।
मेला लाल होगा इनारा लाल होगा लाल होगा एशिया लाल यासीन लाल होगा हस्ती से बहेगा खून अभी तक पहुंचे नहीं है, बड़ी सख्त प्यास लग रही थी तो यहाँ एक जगह हमें पानी मिला है, आप देख सकते हैं। पानी तो क्या मिला यार, अजाब हो गया हमारा, इन लोगों ने तो हमारा बेड़ा कर रखा है। इधर कैमरे के सामने बोलो जो बोलना है, देखें। ठीक है बोलते हैं। अब बोले क्या कहना चाह रहे थे? हमने इनको बताया था कि ये दो गाड़ी से बोतल लेके आए पानी की, ताकि रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे। तो दोस्तों इससे आपको सबक ये मिला कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास खाने का भले आप कुछ ना रखें, पानी की बोतल साथ ज़रूर रखें। कोई कीड़ा वीड़ा भी खा लेंगे लेकिन पानी क्या होना चाहिए। हाँ तो बचाओ तो हम लेकर पानी पीएंगे। ठीक है कर लिया। ये आप देख सकते हैं भाई, ये है क्या यार, इसको गमुक कहते हैं, बर्फ गमुक। और ये खाने का चौड़ी कहते हैं शिमला में, उसके बाद उर्दू नहीं आता, उर्दू में ये बनता ही नहीं है। क्योंकि उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ फ्रिज और जो है ना बर्फ खाने का बर्फ खाते है, तो वहाँ ये चुचुबल नहीं बनते। तुम क्या कहते हो? हम चोले चोले। आए हाय जम्मू के बीवी जैसे ठंडी है यार। ठंडी है? नहीं नहीं गर्म है यार। पानी तो पानी ऊपर से भरो भाई। तो भाई अभी हम पानी पी लेते हैं, फिर वहाँ वका होगा। हाँ खाऊंगा। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर चेक करता हूँ, सबर करें, देखते हैं ये कितना। नहीं एक मिनट नहीं हुआ, सबर करें। ठक ठक चला रहे थे। नहीं नहीं इतना अच्छा, वो बड़ा बुखार नहीं, छोटा सा हल्का फुल्का बुखार है, तो इसके लिए आपको दवाई दो। ये खाना होगा। ये कैसे खाए? गप गप कर दो। अच्छा चलो ये खाने का तरीका ही बता। अर्ज करें पुलिस हजरात से फिर डेली एक मशवरा है मेरा। हाँ वो ये कि आप जब भी किसी टूर पे हाइकिंग पे जाएंगे तो आपके साथ कोई लोकल बंदा होगा। शुरू में वो बताएगा कि हमारा जो मंजिल है तो हदफ है,
वो आधे घंटे का या डेढ़ घंटे का या दो घंटे का बताएगा, उस पर कभी भरोसा नहीं करता। हमें भी चुतिया बनाया गया है शुरू में। वो बताया गया कि दो घंटे का रास्ता है, मुसलसल चल रहे हैं अभी तक, हमारी टांगे तो दीवार बन गई है। अभी कह रहा है बंदा आधे घंटे का रास्ता हो रहा है, तो ये दूसरा पड़ाव हमने लिया है, चलो आगे देखते हैं। लो जी, हम अभी संदियस पहुंच गए हैं और दरबार में यहाँ ठंड भी है, लेकिन यहाँ पे आग जलाई गई है, तो ठंड के जो आसार है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। बाकी ये है कि हमने चाय पी, चाय से काफ़ी ताज़ा दम हो गए हैं, और अभी अखरोट खिलाया है, अखरोट जबरदस्त किस्म के अखरोट खिलाए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खुशी चाचा से यहाँ पर मिल के हुई है, इतना खुश मजाज आदमी हमने, नेचर पूरा एक तरफ, इनकी तबीयत एक तरफ। यार ये पूरा सफ़र और ये यहाँ पहुँच के बताओ भाई, आपकी क्या तासुरात है? जी ना मज़ा साहब, हम मेरे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। रास्ते में थकन की वजह से काफ़ी बोरियत भी हुई थी, लेकिन यहाँ पहुँच के जब चाचा से हमारी मुलाकात हो गई तो इनकी बातों ने हमारी सारी थकन ही ख़त्म कर दी। वाला जनाब, बात यह है कि जैसा कि कहा इन्होंने, चूँकि आपने एक झूठा दिलासा दिया था हमें एक घंटे का, कोई तीन घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद रास्ते में थके भी, लेकिन चलो अच्छा रहा, पूरा सफ़र रास्ते का अच्छा रहा, उसके बाद यहाँ पर आके इनसे मिल गए, तो ये इतने कोई मज़दार इंसान है कि मैं क्या बताऊँ। बस अब इनकी स्माइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना दादा? सही। तो आपका क्या है यहाँ पर, अभी कब तक रहते हैं आप, पूरे साल यहाँ पर रहते हैं? मैं तकरीबन 12 महीने ही रहता हूँ। अच्छा, सर्दी में इधर रहता हूँ, अभी इधर आया हूँ तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गया, इससे अंदर था। अच्छा, यहाँ से अंदर? हाँ, यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता था, यानी तो बहुत ज़्यादा है। इधर आया हूँ, उधर बहुत, उधर बर्फ भी है, तो उधर से इधर आया हूँ, इधर अभी मैं रहता हूँ ये तकरीबन जून से फिर मैं आगे शिफ्ट करता हूँ, उधर बढ़ता हूँ 12 महीना मैं इस नाला में रहता हूँ, मेरा उसमें यह है, तो ये नाला तो समझो तो ये नाला मेरा है, बस इसमें इस नाले का बादशाह है। इधर जाकर नीचे जो लोगों के साथ ना मेरा रहने के वो साही, उनके साथ कोई उसमें नहीं हो गया, इनसे ये बकरियों के साथ रहता हूँ, बस इनसे मेरा बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बस ये बात है मेरा, मतलब उनसे बकरियाँ अच्छी हैं, अच्छी है लोगों से, नहीं उन लोगों से ये बकरी अच्छी है, क्योंकि उनके पास उनके पास गए तो एक के पास गए तो क्या बात करते हैं, दूसरे क्या शैतानी करते हैं, इधर रास्ता में बैठते हैं, लाडू खेलते हैं, और कोई करता है, ये बात से इन बकरियों के साथ रहना, बकरियों की तरफ देखकर क्या क्या बहुत खुशी होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ। असल में क्या है कि ऑर्गेनिक लाइफ है आपकी, है ना अली? नेचुरल लाइफ है, बिल्कुल नेचुरली आप यहाँ पर रहते हैं, बस कमाल की बात है, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई है। आपका कैसा रहा सफ़र? यार मैंने भी ना लंबे बालों वाले, ये इसी के बिल्कुल पार साइड पे, मतलब हमारी भी ज़मीनें हैं ना। अच्छा, तो छोड़ो, बचपन का काफ़ी सारा वक्त मैंने भी यहाँ गुजारा है, तो मैं अभी कोई 10-12 साल बाद इधर आया हूँ। अच्छा, तो इसी वजह से रास्ते में आते हुए मुझे कुछ कई जगह कंफ्यूजन भी हो रही थी कि भाई हम पहुँच गए हैं या नहीं पहुँचे, तो हाँ अलबत्त ये कि इतने अरसे बाद यहाँ आना अच्छा लगा,
और इनसे यहाँ मुलाकात हो गई। फिर ये है कि जो बड़े मज़े की बातें और अपना एक्सपीरियंस और ये जो लाइफ, तो वही बात ना कि यो बात इन्होंने कही कि जब लोगों के दरमियान, इंसानों के दरमियान हम रहते हैं तो आपस में नफ़रतों के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ। लड़ाई झगड़े मज़हब के नाम पर, कौमियत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, सियासत के नाम पर, तो हर जगह नफरतें ही हैं। लिहाज से नफरतें ही नफरतें, बाकी नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ उन तमाम चीज़ों से दूर, ये वाकई में मतलब कोई किताबी कहानी या कोई फिल्मी स्टोरी ही लगती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। मुझे मतलब अभी तक भरोसा नहीं आ रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि मतलब ऐसे भी एक शख्स हो सकते हैं। अच्छा चलो भाई, यहीं तक हमारा सफ़र था। सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया, हमारी मुलाकात हो गई, हमने गुफ्तगू की और पूरी इनकी जो लाइफ थी, जो हमने सुना था, जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो नावलों वैसी जो ज़िंदगी थी ना, वो हमने अल्केमिस्ट का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ ये है कि जो हमारे मेन जो करेक्टर थे इस पूरी कहानी के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, शुक्रिया इस जगह में आप आया, सर्दी था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके पास भी रहेंगे, आपको आपको हमने अब तंग करना है इंशाल्लाह। आ गया तो बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश आप लोगों की तरफ, बस बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मेहरबानी।